नहीं, अरे नहीं अंकल अमरूद हम खाएंगे बाग में जाके, बगीचे में जाके। ताऊ जी गन्ने लेके जा रहे थे, मैंने को बोला भाई गन्ने खिला दो हमको। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं आया हुआ हूँ स्वाई माधोपुर की तहसील गंगापुर सिटी में। एक्चुअल में मेरे साथ जो काम करते हैं जयरे लाल भाई हैं और धर्मराज भाई हैं, उनके साथ जाने वाले हैं आज अमरूद के बगीचे देखने के लिए। हर दूसरे खेत में अमरूद का बगीचा है और रोडों पे जो मतलब बेचने के लिए भी उन्होंने खूब सारे लगाए हुए हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बाग बगीचे में जाने के लिए। खैर उसका तो मज़ा अलग ही रहेगा। तो बस 5 किलोमीटर की दूरी और बची है, 5 किलोमीटर बाद हम लोग जो है पहुँच जाएंगे। भाई एक ट्रक वाला जा रहा है, क्या क्या लेकर गया इसके पीछे? टाइगर ऑफ बनास, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। और क्या क्या है नीचे? सरपंच भाई साहब, दिल नरम है और दिमाग गरम है, बाकी सब ऊपर वाले का करम है। सनम नाजिल बेवफा, ठीक है रे, पढ़वा जाती सू, किस मांगे ट्रेलर वाला प्यार को भूखो। बुरी नजर वाले वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई तेरा मुंह काला? अरे भाई ये तो बड़ा हैवी ड्राइवर है यार। हेलो भाई, हम लोग पहुंच गए हैं अभी। ये जहाँ पर हमारे लोग आए हैं ना, वो अपने धर्मराज है ना, धर्मराज भाई के रिलेटिव्स का है। दो हैं, एक भी नहीं, वो तो डाउन कम है, बढ़िया तगड़ा है। छोड़, ये ब्लैक वाला क्या भाई, पीछे पड़ जाएगा तो हाल खराब कर देगा। अच्छा वो अच्छा, ये नहीं खाएगा ना? चलो यार हम तो डर रहे थे। नहीं खेल रहा है, हाथ मिला रहा है। हमारे धर्म भाई हैं और जिनके रिलेटिव के बाग है जहाँ पर लाए हैं, और ये हमारे प्यारे लाल जो हमारे साथी है। थैंक यू भाई साहब। मैं जब मुंबई से आ रहा था तो मैंने इच्छा जाहिर की कि भाई मेरे को भी जो है अमरूद के बाग देखने हैं, क्योंकि जब भी ट्रैवल करते हैं ना मुंबई के लिए तो रास्ते में देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी अंदर जाने का मौका नहीं मिला। तो धर्मराज भाई ने बोला कि भाई चिंता मत कर, तेरे को एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा, हमारे खुद का ही खेत है तो रिलेटिव्स का खेत है, तो इसलिए विनोद काटो मत ज्यादा। क्यों? बाग में जाए खाएंगे हम बाकी के। देख भाई कितने बड़े बड़े उम्मीद लगे हुए हैं। ये देखो अपनी डाल में पकड़ना है। जा तू जा, किधर अमरूद? ओ भाई दो है। पत्तियां भी हरी हैं, अमरूद भी हरे हैं, तो दिखते नहीं जल्दी से और एकदम मस्त पके हुए। मैं खा के देखता हूँ उसको। ये स्पेशल क्वालिटी है कि मोटे वाले अंगूर हैं। बहुत लास्ट अवेलेबल है, बहुत गुड एकदम मस्त है। अमरूद के मामले में भारत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्वाई माधोपुर नंबर वन पे आता है राजस्थान में। यहाँ पर मैंने देखा कि हर दूसरे खेत में अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं। हमेशा से इच्छा रही है, बहुत दिनों से, मैं कोटा में पढ़ाई की है तब भी मैं देखता था अमरूद, लेकिन आज जाके मेरी इच्छा पूरी हुई कि मैं किसी बगीचे में आया हूँ और पेड़ से तोड़ के मैंने ये अमरूद खाया है। ओसम भैया ने हमको है ना अमरूद तोड़ के खिलाए भी वहाँ पर, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आया मुझे जब मैं पेड़ से तोड़ के खा रहा हूँ। ऐसे मीठे अमरूद है ना, मज़ा आ गया। और ये देखो पूरे इकट्ठे कर रखे हैं तोड़ तोड़ के। ये बता रहे हैं कि 2 बाग लगाए इन्होंने, ये तो इधर वाला 10 साल पुराना है और इधर जो है वो नया है। ये है 1985 का मॉडल। 1985 अभी तो चल नहीं रहा होगा ये? नहीं चालू है सर। चालू है बिल्कुल।
देखो भाई पूरे जूते जो है मिट्टी में भर गए पूरे। चलना चलो भाई, छत पे आ गए हम लोग। जो भैया का घर है ना वो बिल्कुल बाग के बीचों बीच है। ये देखो इस साइड से लेके पूरा बगीचा है, ये पूरा इस साइड में भी पूरा है और इस साइड में भी पूरा बगीचा है। ये मेन एंट्री है ना उधर से। बड़ा मजा आ रहा है यार यहाँ पर तो। सबसे अच्छी बात क्या है, अमरुद का बगीचा तो है ही है, घर जो है ना पूरे बगीचे के बिल्कुल सेंटर में है और चारों ओर आप देख रहे हो बगीचा ही बगीचा है। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया यहाँ जाके। जेब में डाला भाई धर्मराज बोला कि भाई मुझे भी दे दे अमरूद। वैसे अमरूदों की कमी नहीं है यहाँ पर भाई, मैंने इसको खा लिया पहले से ही। सही बोल रहा है भाई, ले ना ले, इसलिए मैंने इसको पहले ही अपना बना लिया है। बहुत मस्त है यार, मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा ये। मैं तो मन कर रहा है कि यहीं पर अपना टेंट गाड़ी के बैठ जाऊं। जब तक अमरूद का मौसम है तब तक अमरूद खाऊं। पत्ते चढ़ाए जब चले जाना। वो अमरूद तोड़ने के चक्कर में ये देखो थोड़ा सा मतलब कांटा लग गया मेरे को और काफ़ी ज़्यादा मजा आया हम लोगों को आज। यहाँ से सवाई माधोपुर जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी पे है। बरने और रणथंबोर को मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करूँगा क्योंकि उसका कुछ और प्लानिंग है, फिर कभी करेंगे क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है मेरे पास। मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे जैसे रेस्ट मिलता है ड्यूटी के बाद, वैसे वैसे मैं थोड़ा बहुत घूमने चला जाता हूँ, एक्सप्लोर कर लेता हूँ, जिससे मेरा भी मन लगा रहता है और आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। अब पता नहीं कंटेंट अच्छा है कि नहीं वो तो आप ही बताएंगे। खैर आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है पायलट जीतू नाम से ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत स्टोरी डालता रहता हूँ। एंड आज के व्लॉग में बस इतना ही, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।